चलिए आज से हम लोग का फर्स्ट क्लास शुरू हो रहा है। जिस क्लास में हम लोग समझ में आने वाला है, बस हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहें। रेगुलर जुड़ने के लिए आप समझ रहे हैं क्या करना होगा। आपको YouTube पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना होगा, और अगर Facebook पेज पे वीडियो देख रहे होंगे, माई प्रवीण केमिस्ट्री के Facebook पेज पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उसके बगल में एक थंब का लाइक का सिंबल दिख रहा होगा, उस पेज को लाइक कर लें ताकि उस पेज में जो भी वीडियो डला है आपके तक पहुँच जाए। तो चलो जल्दी से आज से हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के लिए हम एक बात फिर से बता रहे हैं कि आपको रेगुलर रहना है हमारे साथ, और रेगुलर के साथ हम लोग आज से केमिस्ट्री का शुरुआत कर रहे हैं। जिस केमिस्ट्री को आपने बहुत ही भारी माना है, बहुत ही खराब माना है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स माना है, इसको आज के बाद हम आपको ईजी दिखाएंगे कि आपके लिए ईजी है। हम कह सकते हैं कि यदि अगर आपको केमिस्ट्री भारी लगता है, अगर कॉम्प्लेक्स लगता है, जटिल लगता है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ जुड़े, केमिस्ट्री आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा, जिसका शुरुआत आज से हम लोग कर रहे हैं। तो आज से वैसे भी विद्यार्थी सीख सकते हैं जो एकदम नील है, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, विज्ञान का डेफिनेशन नहीं आता है, रसायन शास्त्र का डेफिनेशन नहीं मालूम है, तो वो भी विद्यार्थी आज से जुड़ेंगे तो उनको शायद समझ में आने लगेगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग आज से शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंतर्गत जो भी हमें पार्ट मिलने वाले हैं उसके डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन अगर हमको पता नहीं है, अगर कोई हमसे पूछ दिया और नहीं बता पाए, तो फिर हम IAC के विद्यार्थी कहलाने लायक नहीं है। तो छोटा छोटा ही डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो बाबू आज से हम लोग केमिस्ट्री का शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं हम लोग रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान। इसे हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। तो आज से केमिस्ट्री आपको समझ में आएगा, बशर्ते आपको हमारे साथ रेगुलर रहना होगा। तो केमिस्ट्री का शुरुआत, केमिस्ट्री का डेफिनेशन, इसके पहले हमने विज्ञान के बारे में बताया है कि विज्ञान आखिर है क्या, कहाँ से आया है, उसके बारे में डिटेल हमने पिछले क्लास के वीडियो में बताया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखने का कोशिश कीजिएगा, और अगर वो देख लिए हैं या वो देखना नहीं चाहते हैं तो आज से हम लोग का शुरुआत हो रहा है रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र का मतलब क्या है? तो रसायन का मतलब ही है केमिकल, यानी केमिकल क्या है? तो एक पदार्थ होगा, यानी सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं कि रसायन शास्त्र का मतलब होता है विशेष ज्ञान। शास्त्र का मतलब होता है विशेष ज्ञान, यानी जिसके पास विशेष ज्ञान आ गया, समझिए कि वो व्यक्ति शास्त्रीय हो गया। तो उसी तरह से हमको इसके बारे में विशेष जानकारी लेना है, विशेष ज्ञान प्राप्त करना है, तो इस रसायन के बारे में जो भी हम अध्ययन करेंगे उसी को हम लोग कहेंगे रसायन शास्त्र। तो यहाँ पर रसायन शास्त्र, रसायन क्या है? तो एक केमिकल है, तो केमिकल क्या है? एक पदार्थ होगा, यानी सिंपल सी भाषा में हम यही जानेंगे कि जो रसायन शास्त्र है इसके अंतर्गत हमको किसके बारे में अध्ययन करना होगा, तो हमको सब्सटेंस मैटर यानी पदार्थ के बारे में अध्ययन करना होगा। तो अगर हम इसका डेफिनेशन देखना चाहें तो सबसे पहले आज का हमारा रहेगा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के लिए आप लोग तैयार रहें, हम जो भी बताएंगे आप उसे लिखेंगे। तो डेफिनेशन आज से हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले रसायन शास्त्र का डेफिनेशन, अगर आपसे पूछेगा कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, रसायन शास्त्र क्या है, रसायन शास्त्र का अर्थ क्या है, रसायन शास्त्र कहाँ से आया है, ये भी हमने पिछले क्लास में किया था कि किस तरह से हम लोग रसायन का शुरुआत किए थे, लेकिन आज हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में टॉपिक बनाइए रसायन शास्त्र का, परिभाषा या परिभाषा जो भी रहे, और आप अपने कॉपी में इसका डेफिनेशन लिखेंगे अगर नहीं जानते हैं तो लिखेंगे बाबू रसायन शास्त्र। हम बोलेंगे क्योंकि आप लोग सुनकर लिख सकते हैं। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, संरचना, सिद्धांत आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? रसायन शास्त्र कहलाता है। अगर आप नहीं सुने हैं तो एक बार फिर से रिप्ले करके सुन लें,
अब बाबू हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि इसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के बारे में पढ़ना है। पदार्थों के अंदर जो भी हमारा गुणधर्म मिलेगा, उसका जो संरचना मिलेगा, उसका जो बनावट मिलेगा, उसका जो सिद्धांत मिलेगा, ये सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वो अध्ययन करने के बाद जो हमें ज्ञान मिलने वाला होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, तो रसायन शास्त्र के अंतर्गत आएगा। अब देखिए हम लोग थोड़े से IAC लेवल के हैं, तो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, तो हिंदी के साथ साथ आपको थोड़े से इसके डिफिनेशन इंग्लिश में भी देख लेने होंगे। तो बाबू इसका सिंपल सा डिफिनेशन लिख लो, केमिस्ट्री चाहे सच ब्रांच ऑफ साइंस भी लिख सकते हैं, या थोड़ा सा आप लोग एकदम लो किस्म के हैं तो आप लोग इस डिफिनेशन को भी लिख सकते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी के स्थान पे हम लोग डील्स भी यूज कर सकते हैं। स्टडी और डील्स अबाउट प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स ETC ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो अगर आप डिफिनेशन भी नहीं जानते हैं तो कम से कम आप छोटा सा ये डिफिनेशन हिंदी और इंग्लिश में जरूर याद रखें। तो ये डिफिनेशन है बाबू, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी और डील्स, यानी स्टडी के स्थान पर आप लोग डील्स भी लिख सकते हैं। डील्स अबाउट प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स ETC ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इसे हम शॉर्ट में इससे भी डिनोट कर सकते हैं, और सच ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स अबाउट क्या है बाबू, तो प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स ETC ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो इसके अंतर्गत हम शॉर्ट में देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स ETC सब किसका देख रहे हैं, मैटर का। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट कि हम इसमें किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। तो डील्स अबाउट मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो हम इसका शॉर्ट सा डिफिनेशन ये भी बना सकते हैं कि जो रसायन शास्त्र है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारा जो पहला डिफिनेशन था ये है, और दूसरा डिफिनेशन है जो ये है। आप दोनों को इसे इंग्लिश में ज़रूर लिख लें ताकि आपको बाद में काम दे, समझ में आए कि आखिर हम डिफिनेशन याद किए हैं तो किसका मतलब क्या होता है। तो ये सभी बात छोटे छोटे बात हैं जो अगर आपको कोई भी पूछ दे तो उनको बताना ज़रूरी होता है, अगर नहीं बताएंगे तो आपको वो इंसल्ट करेंगे या आप उनके सामने थोड़ा इंसल्ट फील कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से आप इसे अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लिए। अब बाबू हम लोग देखेंगे बाबू कि रसायन शास्त्र आखिर होते हैं तो कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेन टाइप्स रसायन शास्त्र के कितने होते हैं, तो तीन होते हैं जो हमको पढ़ना भी है। ऐसे तो बहुत हैं लेकिन हमको पढ़ना कितना है बाबू, तो हमको पढ़ना तीन है। कौन कौन? तो फिजिकल केमिस्ट्री जिसे हम लोग कहेंगे भौतिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन। तो आइए हम ये तीनों को भी डिफाइन करते हैं। तो चलो हमको सबसे पहले मालूम हो गया कि कार्बनिक रसायन अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन रसायन शास्त्र के क्या हैं, पार्ट्स हैं। रसायन शास्त्र कितने प्रकार के, ऐसे बहुत से हैं इसके प्रकार लेकिन हमको पढ़ना है कितने, तीन। कौन कौन बाबू? तो पहला भौतिक रसायन, जिन्हें भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अकार्बनिक रसायन
और लास्ट है बाबू अकार्बनिक। लास्ट नहीं है लेकिन हमारे लिए लास्ट है, क्योंकि हमें जिसका ज़रूरत नहीं है उसे अभी देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अकार्बनिक रसायन, अगर हम सबको इंग्लिश में देखें बाबू तो इसे हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री अगर हम इसे देखें तो इसे हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये छोटे छोटे बात आप ध्यान में रखें, बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि आज से हम लोग का केमिस्ट्री का क्लास शुरू हो चुका है और ये है बाबू हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि हम हर एक छोटी बात आपको बताते चलेंगे तो आप उसको ख्याल में ज़रूर रखिएगा, ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि आखिर हमको पढ़ना क्या क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या आने वाले हैं। अब चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भौतिक रसायन क्या है, भौतिक रसायन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। तो हम थोड़ा शॉर्ट में बोलेंगे, आप समझने का कोशिश कीजिएगा, सुनने का कोशिश कीजिएगा, और अगर हमारे साथ बैठे हुए हैं तो आप अपने पास ये समझिए कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आप अपने साथ एक कॉपी कलम जरूर ले लें, क्योंकि हम जो भी बात बोलेंगे अगर आप नोट करना चाहें, नोट करना चाहे नहीं करना ही है, अगर आप पढ़ना चाहते हमसे तो आपको हम जो भी बोले उसको नोट करना है। तो बाबू सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है भौतिक रसायन। अगर आप भौतिक रसायन का डिफिनेशन जानते हैं, परिभाषा जानते हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो इसका एक शॉर्ट सा डिफिनेशन। अब देखिए बात वैसा याद रखना है जो जल्दी याद हो जाए, ऐसा नहीं है कि दिन रात उसको रटित रहें फिर जब सुनाना रहे भूल जाए, वैसा बात पे हमको फोकस नहीं करना, शॉर्ट सा ही देखना है लेकिन उसका अर्थ सही निकलना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बाबू भौतिक रसायन, भौतिक का मतलब होता है नेचर, नेचर यानी प्राकृतिक, यानी कह सकते हैं कि जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक रसायन। यानी रसायन शास्त्र का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, प्राकृतिक घटना घटेगा तो उसका कहीं ना कोई थ्योरी होगा, कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों में हुए घटनाओं के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं, या सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन कहते हैं। तो बाबू इसका डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिखिएगा, भौतिक रसायन का डिफिनेशन लिखेगा, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं, सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिक रसायन कहलाते हैं। अगर आप इंग्लिश में नोट करना चाहें तो लिख लीजिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच अ स्टडी और डील्स अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैटर्स इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। तो जो भी नहीं जानते हैं इस डिफिनेशन को जरूर नोट कर ले, फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच अ स्टडी, या इसके स्थान पे हम लोग डील्स भी यूज कर सकते हैं, अ स्टडी और डील्स अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैटर यानी पदार्थों के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो बाबू ये डिफिनेशन आपको जरूर याद हो जाने चाहिए, क्योंकि इस डिफिनेशन को अगर हम याद कर लेते हैं तभी जाकर हम आगे के लेवल पार करेंगे। क्योंकि आपको बताएं कि हमको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, क्योंकि जब तक हमारे पास स्टेप नहीं आएंगे हम किसी काम को नहीं कर पाएंगे। तो चलो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से आप इसे नोट कर लें,
जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं या जुड़ना चाहते हैं क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। और आप मेरे साथ डेली बैठे तो आप अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठे। कॉपी कलम लेने से क्या होगा, हमारे पास जो भी बात रहेंगे वो आप कॉपी में नोट आसानी से कर सकते हैं। ये नोट आसानी से करने से क्या होगा कि आपको जो भी ज़रूरत वाले चीज़ रहें या जो आप नहीं जानते हैं उसको आप जल्दी से कॉपी में नोट कर सके। तो चलो अब इस तरह से हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का डिफिनेशन देख लिए। अब हमारे पास आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम लोग कहते हैं अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, तो इसके पुराने ज़माने में बहुत तरह के डिफिनेशन थे। बहुत तरह के डिफिनेशन को हमको नहीं देखना है, हमको सिंपल एंड शॉर्ट सा डिफिनेशन देखना है जिसका कोई अर्थ हो और हमें बोलने में आसान लगे, हम जल्दी से इसको याद कर पाएँ। तो अकार्बनिक का मतलब ही है बाबू कि कार्बनिक का उल्टा, यानी इसमें कार्बनिक का कोई भी प्रॉपर्टीज होना नहीं चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें भी इसका प्रॉपर्टीज मिलता है, इसमें भी इसका प्रॉपर्टीज मिलता है। तो अभी हमको देखना है अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन संभावित रूप से वही है जिसके अंतर्गत हम लोग एलिमेंट्स यानी तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। तत्वों के बारे में अध्ययन जिस ग्रुप में करते हैं, जिस टॉपिक में करते हैं, जिस चैप्टर में करते हैं, जिस पार्ट के अंतर्गत करते हैं, वही हमारा कहलाता है अकार्बनिक रसायन। यानी जिसके अंतर्गत हम लोग तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, अकार्बनिक रसायन। अब एक बात हमको यहाँ पर देखना है, जो हमें पास तत्व मिलते हैं, तत्व किस रूप में मिलते हैं, खनिज के रूप में, यानी धरती के नीचे से मिलते हैं, और धरती के नीचे से मिलते हैं तो खनिज होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तत्वों या खनिजों, ये भी जोड़ सकते हैं कि जिसके अंतर्गत हम लोग तत्वों या खनिजों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन। तो चलो जल्दी से टॉपिक बनाओ बाबू आप लोग, अकार्बनिक रसायन। और अकार्बनिक रसायन का डिफिनेशन लिखेगा, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है, अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तत्वों या खनिजों के बारे में अध्ययन करते हैं अकार्बनिक रसायन कहलाते हैं, अकार्बनिक रसायन कहलाते हैं। जल्दी से डिफिनेशन हम लोग देख लेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच अ स्टडी और डील्स अबाउट, किसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, एलिमेंट्स और मिनरल्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन हमने लिखवा रहे हैं, इसे आप जरूर ध्यान से रखें, याद करके रखें, समझ कर रखें, आपको याद हो जाएगा। तो बाबू हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेहद ही सिंपल है, जिसके अंतर्गत हम लोग एलिमेंट्स यानी तत्वों के और मिनरल्स यानी खनिजों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलो जल्दी से फर्स्ट आप लोग अकार्बनिक रसायन का डिफिनेशन हिंदी में नोट कर लिया होगा, इंग्लिश में भी नोट कर लें। तो ये है बाबू हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलो जल्दी से आप लोग नोट कर लियो, चलिए नोट कर लिए। अब देखिए हमारे पास आता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है ऑर्गेनिज्म, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं अंग, हमारे ऑर्गेन से, अंग से। यानी शुरुआती दौर में सबसे पहले इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत तरह के बात बताया, अलग अलग तरह के अपने अपने भाषों में कुछ बात बताया, बर्जिलियस थे, वॉलर थे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक आते गए जिसके बारे में इसके बहुत तरह का खोज होते रहा। तो शुरुआती दौर में इसका बात बताया गया सन 1815 ईस्वी में, उस समय में इसके एक बीटल फोर्स थ्योरी भी आए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत, उसी समय इसके बारे में
शुरुआत हुआ था, हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा नहीं, सबको ऐसा मानना चाहिए कि 1815 ईस्वी में ही इसका शुरुआत हुआ, क्योंकि सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति 1815 में आया और इसके बारे में कुछ बता कर गए, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे बाद में जब हम लोग चैप्टर, जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस पार्ट को पढ़ेंगे तब देखेंगे विशेष रूप से। अभी हमको डिफिनेशन करना है, तो डिफिनेशन के अंतर्गत हम लोग, सॉरी यहाँ पे कार्बनिक होगा, हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन के अंतर्गत क्या देखेंगे, कार्बनिक रसायन है क्या बाबू। तो शुरुआत में बताया गया है कि जो कार्बनिक होते हैं ना, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, वही कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन करते वही कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। और शुरुआत में बताया गया ना कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ और सिर्फ सजीव प्राणियों से ही प्राप्त किया जा सकता है, लिविंग विंग्स से प्राप्त किया जा सकता है, इसे हम किसी भी लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ऐसे ऐसे वैज्ञानिक, फ्रेडरिक वोलर नामक वैज्ञानिक आया, जो सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया नामक, यानी लेबोरेटरी में यूरिया नामक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाया। तो उसके बाद इनका जो सिद्धांत था, इनका जो प्रिंसिपल था, इनका जो थ्योरी था, वो गलत साबित हो गया। नए नए थ्योरी आते गए, इसके बाद लाखों, 2 लाख, आज हमारे पास करोड़ों ऐसे कंपाउंड मिल चुके हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो हमको उसको नहीं देखना, हमको डिफिनेशन देखना है। तो कार्बनिक डिफिनेशन, कार्बनिक रसायन का डिफिनेशन क्या होने वाला है, तो इसे पुराने जमाने में कहा जाता था कि जिसमें हम कार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं या कार्बन से बने यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है, सुनेगा ध्यान से, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन या उससे बने यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन। लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई हम लोग करते हैं, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि कार्बनिक यौगिक तभी बनेंगे जब उसके पास हाइड्रोकार्बन का प्रॉपर्टीज, हाइड्रोकार्बन का गुण प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा। तो बाबू हम इसका नया वाले डिफिनेशन जो साफ तौर से हमको शांति से याद करवाएगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो चलो कार्बनिक रसायन लिखकर आप लोग डैश दीजिए, कार्बनिक रसायन लिखकर डैश देंगे, लिखेंगे कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्नों के बारे में अध्ययन करते हैं, एवं उसके व्युत्पन्नों के बारे में अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। यानी सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं बाबू कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही होंगे जिसके अंतर्गत हम लोग हाइड्रोकार्बन कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसी को हम लोग डेरिवेटिव्स, इसी को हम लोग डिफिनेशन के रूप में लिख देंगे। तो चलो यहां पर लिख देंगे जल्दी से इंग्लिश में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द branch of chemistry in which a study deals about hydrocarbon and his derivatives is called organic chemistry तो चलो बाबू सबसे पहले हम लोग तीनों का डिफिनेशन देख लिए, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। तो आप लोग आज इससे जरूर कंप्लीट कर ले, आपको डिफिनेशन कभी भी दिक्कत में नहीं आना चाहिए। डिफिनेशन कोई भी पूछे आप फटाक से उसका आंसर दीजिए, आप उसके बारे में जवाब दीजिए, उसके अंतर्गत जो भी काम आने वाला है उसको बताइए। अगर हम इसे शॉर्ट में बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जिसके अंतर्गत हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं या उसके व्युत्पन्नों के बारे में अध्ययन करते हैं, डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स यानी उसके व्युत्पन्नों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो इस तरह से आप डिफिनेशन जल्दी से याद कर सकते हैं, डिफिनेशन
काफ़ी सिंपल तरीके से हमने लिखवाया है। आप इसे शॉर्ट में और बोल सकते हैं कि सच ब्रांच ऑफ, यहाँ से डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि सच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी और डील्स अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड हिज डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप इसे आसान से आसान भाषा में बोल सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स, यानी जिसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो इस तरह से आप एकदम सिंपल से डिफिनेशन याद करके अपने एकदम हृदय में भर लीजिए कि कोई भी हमको चलते फिरते रोड पर भी अगर कोई पूछ दे तो हम फटाक से उसको आंसर दे दे। तो चलो अब आज है हमारा ये डिफिनेशन, अब डिफिनेशन के आगे कुछ हमारे बेसिक बात है।